कमलनाथ सरकार ने मंगलवार रात सीएम कमलनाथ की मंजूरी के बाद नई तबादला नीति 2019-20 जारी कर दी है। इसके साथ ही 5 जून से 5 जुलाई तक तबादलों पर से प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। नई नीति के तहत जिला और राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। बाद में कलेक्टर अथवा जिले के विभागीय अधिकारी आदेश जारी कर सकेंगे। राज्य स्तर पर डिप्टी कलेक्टर समेत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जारी होंगे। जिलों के अंदर ये काम प्रभारी मंत्री और कलेक्टर करेंगे। जरूरत के अनुसार मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा। नई नीति में साफ कर दिया गया है कि किसी भी कैडर से 200 की संख्या तक 20% तबादले होंगे। इसके बाद 201 से 2000 तक के कैडर में 10% और 2001 से अधिक के कैडर में 5% तक तबादले होंगे। फॉरेस्ट और पुलिस महकमे में तबादलों के समय इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के तुरंत दिक्कत ना हो। पहले की तरह राज्य की तबादला नीति से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी बाहर रहेंगे। पिछले तबादला नीति में शिक्षा, पुलिस और अन्य महकमे अलग से नीति बना लेती हैं, लेकिन अब नहीं होगा। तबादला नीति में परिवहन विभाग पर लागू नहीं होगी, क्योंकि उनकी पहले से प्रचलित तबादला नीति है।